जो हमारे मुल्क की यूथ है ना यू के मुताबिक हमारी कॉम में 65 परसेंट यूथ है जो पाकिस्तान को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करते हैं एजुकेशन की फील्ड में टेक्नोलॉजी की फील्ड में एंटरटेनमेंट की फील्ड में बिजनेस की फील्ड में एंड व्हाट नॉट लेकिन हमारी इस यूथ को बदले में मिला क्या नौकरी के नाम पर स्ट्रगल सिक्योर फ्यूचर के नाम पर बॉस की गालियाँ और ओवर टाइम मतलब मेंटल और फिजिकल हेल्थ की कोई गारंटी और सिक्योरिटी बिल्कुल नहीं इसी गम की वजह से तकरीबन एक मिलियन से ज्यादा यूथ इस मुल्क को छोड़ के जा चुकी है फॉर बेटर बेटर अपॉर्चुनिटीज जॉब सिक्योरिटी लिविंग एंड मच मोर बाहर जाना ही ठीक लगेगा ना क्योंकि पैंतीस हजार की एवरेज सैलरी में पंद्रह हजार का मिनिमम पेट्रोलिस हजार का बिल और बेसिक नेसेसिटी और ख्वाब तो किसी किसी की किस्मत में होते हैं लेकिन इससे ज्यादा नुकसान हमारे मुल्क का ही है अब आप कहेंगे कैसे मैं बताता हूँ देखो द डिपार्चर ऑफ हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स लीड्स टू अ लॉस ऑफ पोलिटिकल एंड इंटेलेक्चुअल लीडरशिप इन द कंट्री और इसका एक बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है पाकिस्तान की एबिलिटी पे टू निगोशिएट विद अदर कंट्रीज डेवलप डेवलपन पॉलिसीज एंड सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम और मुझे पता है कि ये लोग बहुत कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं पाकिस्तान की इकॉनॉमी में बिलियन ऑफ डॉलर पाकिस्तान में आते हैं फॉरन रेमिटेंस आती है बट कब तक इट इज टाइम कि अब हम इन्वेस्ट करें अपनी एजुकेशन में इनकी स्किल्स डेवलपमेंट में अपने बिजनेस इन्वायरमेंट को इंप्रूव करें इंसेंटिव दें इन प्रोफेशनल्स को अपने हेल्थ केयर सिस्टम को बेहतर करें ताकि हम एक ज्यादा प्रॉस्परस सस्टेनेबल फ्यूचर पैदा करें अपने लोगों

हो सकता है वो तब होगा जब हम ओनरशिप लेंगे हम ब्लेम गेम जब खत्म कर देंगे कि ये उसकी वजह से नहीं हुआ उसकी वजह से नहीं हुआ आज मेरे साथ यहां पे इतनी बच्चियां आई हुई हैं मोर देन टू हंड्रेड इनमें से कोई एक भी पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहती क्यों क्योंकि जी पॉलिटिक्स में जाते हैं तो गालियां पड़ती हैं जब आप में से पूरे मुल्क की यूथ पॉलिटिक्स से एलियनेट हो गई है तो फिर कौन जाएगा पॉलिटिक्स में और मुल्क कैसे ठीक होगा अब आप कहेंगे तो शुरू ही हो गया बस ऐसे ही है ना एक काम की बात में भी तो लोग इंटरेस्टेड नहीं है तो खैर शो को आगे लेकर चलते हैं बुलाते हैं हमारे आज के मेहमान को जो एक ऐसी अदाकारा हैं जिन्होंने स्कूल में ही एक्टिंग शुरू कर दी थी और हर कैरेक्टर को उन्होंने क्या बात है कमाल कर दिया क्या एक्टिंग एबिलिटी है क्या एक्टिंग इनका इनका क्राफ्ट कितना मज़ेदार है चुड़ेल्स डार्लिंग जैसे प्रोजेक्ट्स में इन्होंने पाकिस्तान को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट किया और अपने काम का लोहा मनवाया आप लोगों की भरपूर तालियों में मोहब्बत के साथ बुलाना चाहूँगा मेहरबानो

हम इनको काफी सालों से देख रहे हैं आई थिंक प्रोबेबली मोर देन टेन ट्वेल्व ईयर्स क्योंकि ये भी एल में थी मैं भी एल में था ये एल जी एस वन वन की ड्रामा टीम में थी मैं एल जी एस जे टी की ड्रामा टीम में था और ये भी बहुत ज्यादा थिएटर करती थी मैं भी बहुत ज्यादा थिएटर करता था उस वक्त हम इनकी एक्टिंग देखते थे और हम कहते थे नहीं यार एस पार्क है एस पार्क है एस पार्क और हमारा टफ कॉम्पिटिशन चलता रहता था तो कब से आपने तो एक्टिंग थिएटर कब शुरू कर दिया था ये पता होना चाहिए लोगों को हाँ मैंने तो बहुत पहले शुरू कर दिया था आपकी ही तरह हम लोग प्रैक्टिकली वी ग्रू अप टर और अभी तक वही सिलसिला चल रहा है टेन समथिंग इयर्स लेटर भी हम वैसे ही हैं वैसे ही आप भी अभी भी अदाकारी कर रहे हैं मैं भी वही कर रही हूँ बट इट्स बिन अ ग्रेट जर्नी माशा और आपके साथ भी हमने आपको भी देखा है और यू नो इट्स कि कहाँ से आपका सफर शुरू हुआ आई नो दैट पाकिस्तानी और वो ड्रामे जो में देखे गए महरबानो मीडिया इंडस्ट्री है लोग बहुत ख्वाहिशमंद होते हैं you know, कितने कितने लोग ट्राई करते हैं बट आपने कहा कि यू वर थ्रोन इन टू दी आपके वर्ड <laughs> किस तरह हुआ वॉट यू मीन बाई देट मेरा एक्चुअली कोई प्लान नहीं था आने का हम बस बच्चे थे जब हम दोनों थिएटर गए शुगल मेले में थिएटर कर रहे होते थे बिकॉज अम्मी अबू ने बहुत मुश्किल से इजाज़त दी हुई थी एक्चुअली शुरू में तो मैंने इजाजत लिए बगैर उनसे चुप के भी बहुत थिएटर प्लेस की कमर्शियल थिएटर प्लेस इंग्लिश थिएटर प्लेस वॉड एवर तो उसके बाद फिर ऐसे ही कोई प्ले करते हुए स्कूल के अंदर ही हम किसी कॉम्पिटिशन के लिए गए थे किसी यूनिवर्सिटी वहाँ पर मुझे सरमद खूसट ने देखा एंड द रेस्ट ऑज हिस्ट्री आई टू कन्विंस माई पेरेंट्स बट दैन आई स्टार्ट एट सेवनटीन तो तब से मैं अंदर ही हूँ इस चीज़ के और uh,

और आई एम वेरी वेरी प्राउड बट आई एव डन क्योंकि है, मेरे लिए एक बहुत बड़ा स्टेप है uh, कि मैं वो वो चीज़ करने जा रही हूँ जो कि मैं खुद अपनी मर्जी से कर रही हूँ एक्टिंग भी मुझे बहुत पसंद है ज़ाहिर है बट आइव डन सो मच ऑफ इट और uh, मैं ऑनिस्टली जस्ट फाउंड मी यू नो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली एंड इट लेकिन जो चीज़ मैं एक्चुअली करना चाहती हूँ वो एक्चुअली क्रिएटिंग है और मैं बताता चलूं कि आपने भी ज़िंदगी का एक सफर तय करना है पिछले साल शाहरुख से इनकी इनको बताएं क्योंकि ये हम बड़ा इंफरटेनमेंट शो है हम सीखने की भी कोशिश करते हैं शाहरुख मेरा दोस्त था वो भी हम लोग म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू मिले थे बहुत काम किया है बिल्कुल वो हर ही तकरीबन शूट पे होते थे जिससे मैं होती थी बिकॉज़ वो एक बहुत सेलिब्रेटेड प्रोड्यूसर है पाकिस्तान के भी वहाँ चुड़ैल के आ, शूट पे थे वो ए डी थे वो उस वक्त और वहीं पर हम मिले थे बट वी वर स्टिल फ्रेंड्स टाइम उसके कोई चार साल बाद नहीं लेकिन वैसे जो उनमें जो खूबियां हैं जो मैंने उनमें देखी और सोचा कि मैं शादी कर लूँ ये है कि मेरे लिए सबसे ज्यादा जो मैटर करता है एट्रीब्यूट एक वो है काइंडनेस I mean, वो ये एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो कि मेरे दोस्तों में भी पाया है मैंने और जितने भी पीपल दैट आई लाइक टू कीप अराउंड माय सेल्फ वो हमेशा काइंड होते हैं क्योंकि ये क्वालिटी मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या बात और है? वो है मेरे लाइफ पार्टनर मुझे और क्या चाहिए क्या बात है काइंडनेस से भर के कोई चीज नहीं <laughs> काइंडनेस से याद आए एक ऐसी चीज है जो करने में आपके जीरो डॉलर लगते हैं और जीरो रुपीज

आसिम अबास ने किया है वो उनका अपना डिस्टिंक्ट विजन था जो कि वो लेके चले उन्होंने पूरा कॉन्सेप्ट बनाया विजुअलाइज किया और मेरा ख्याल है उन्होंने उनसे बेहतर ये कोई भी नहीं कर सकता मेरे पास मेरे अपने बहुत आइडियाज हैं जिनको मैंने करना करने बिल्कुल और आपकी ही एक स्टेटमेंट थी स्टेटमेंट थी में जिसके बाद आप पे बड़ा बैकलैश आया टू द पॉइंट के इवन थ्रेट्स भी आए बिल्कुल हाउ डिड यू डील विद दैट मतलब एक तो एक्टर्स को नेगेटिव कॉमेंट डील करने होते हैं ना आपको तो थ्रेट्स भी आए तो किस तरह आपने डील किया है सबसे मेरा ख्याल है मैंने जो भी किया वो मुझे पर्सनली किसी भी चीज़ के ऊपर रिग्रेट नहीं होता अपनी हाँ जिस तरह से उसके साथ फिर मुझे बैकलैश मिला पर मैंने सोचा कि शायद मे बी आई हैव वर्डेड थिंग्स डिफरेंटली शायद मुझे डिफरेंट तरीके से बात करनी चाहिए थी शायद जो मैं कहना चाह रही थी वो जो औरत मार्च के हवाले से जो भी मैंने कहा वो बात उस तरह से आगे पहुंच नहीं पाई उस तरह से कम्युनिकेट नहीं हो पाई

अब आप ऑफ कोर्स एक क्लास थ्री के बच्चे को पीएचडी का लेक्चर तो नहीं दोगे hmm. पहले उसको क्लास थ्री की चीजों के बारे में बताओगे फिर जिस तरह वो प्रमोट होगा तो दिस इज एक्चुअली अ वेरी गुड पॉइंट और हमारे मुल्क में नजर की बड़ी बात होती है कि उन्होंने नजर लग गई उन्होंने नजर लग गई आपके पहले अवार्ड को नजर लग गई अवार्ड तो <laughs> शो अब नॉमिनेट हुई oh, ओह बिल्कुल आई डोंट इवन रिमेंबर दिस लेकिन याद है बड़ी बात है बताएं ये अब इनको बताएं इनको नहीं पता बचपन की बात है ना मैं बचपन तकरीबन 47 में जब आ <laughs> रहे <थे। laughs> नहीं आठ नौ साल पुरानी बात है कि मैं अपने पहले ही ड्रामे के लिए एक लक्स स्टाइल अवार्ड के लिए नॉमिनेट हो गई थी बेस्ट एक्ट्रेस कैटेगरी के अंदर मैंने एक ड्रामा किया था उसका नाम था दाग दाग उसके लिए और फिर वो हुआ ही नहीं बिकॉज कुछ हो गया था कुछ बेनजीर अवार्ड शो ही नहीं ये नॉमिनेट पहली दफ़ा नॉमिनेट हुई है पहली दफा आप नॉमिनेट दफ़ानेट हुए अवार्ड शो ही नहीं हुआ मेरे शायद एग्जाम हो रहे थे उस टाइम मैंने जा भी नहीं सकती थी काफ़ी जरा बेहतर हो गया हाँ एक्जैक्टली exactly. मुझे अब उन्हें जाने भी नहीं देना था उस वक्त बहुत मुश्किल से मुझे एक ड्रामा करने की इजाज़त मिली थी आई वुड नॉट और उसके अंदर भी अब उन्हें मेरे साथ मेरी छोटी बहन को भेजा था जो कि उस वक्त तेरह साल की थी Hey, ये, ये लेगी। के नहीं जब ड्रामा में करने की थी, वो कहते थे, मैं बहुत तो, मेरी को भेजा मेरे साथ ठीक कर रही है बिल्कुल सेफ है कहीं बाहर नहीं जा रही है यार वही फुल चेक एंड बैलेंस छोटी बहन के साथ आपकी कैसी है

एक बहुत अल्लाह लोग किस्म की लड़की थी बिल्कुल ही ना कुछ नहीं पता होता था तो उस वक्त हमें पता चला कि साथ वाले ही घर में किसी का मर्डर हो गया hey! कैजुअल कैजुअल था सब कुछ बहुत ज्यादा उन्होंने कहा हाँ ये तो होते रहते हैं द सेट पीपल केप्ट वर्किंग द क्रू केप्ट वर्किंग बस हमारे साथ जो मेल एक्टर थे उस वक्त उन्होंने कहा कि मैं तो जा रहा हूँ <laughs> और उन, उनके जाने की वजह से फिर शूट कैंसिल हो गया वो, वो कहा गए घर अपने

और को एक्टर ने कहा कि ठीक है।, <laughs> है, सही सही है।, है लोगों का और वो हमारे शो की एनर्जी जो कि ऑलरेडी बहुत अच्छी जा रही है और उठा देता है इसका नाम है लिप सिंह बैटल <laughs> तो मेहरबानो अब सोफे से स्टेज पर आ चुकी हैं और अगर आप लिप सिंह बैटल के लिए तैयार है और आज एक और लेवल पे हो जाए लिप सिंह बैटल तो बस आप तैयार है

मतलब स्पेशली अगर आपने किसी के साथ ज़िंदगी गुजारनी है तो उसके अंदर बिल्कुल टॉक्सिसिटी की कोई गुंजाइश नहीं है और uh, मुझे जो भी आज से कहता है कि हमसे टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकला नहीं जा रहा है मुझे लगता है कि उनको हिम्मत करनी चाहिए और बस निकल जाना चाहिए बिकॉज़ यू नो यू शुड ऑलवेज़ पुट यूर सेल्फ फ़र्स्ट थोड़ा सा सेल्फिश होना चाहिए खुद को लेकर और यू नो इफ़ यू कार्ड लव योर सेल्फ हाउ विल यू लव सम लिटरली अरे कितनी बड़ी बात की है नहीं 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 नहीं, नहीं। इस बात पे अगला गाना लगाओ जल्दी <laughs> से टाइम पे आ आ था। मैंने गाना मैंने सुना में अच्छा। लेकिन पंजाबी गानों पे भी आप ग्रूव ठीक कर लेती हैं भाई मैं हर गाने पे सही ग्रूव कर देती हूं बस गाना अच्छा होना चाहिए तो अगर बिल्कुल ही कु लगा दें नहीं कवालियां नहीं मैं सुनती क्या बात है तो आप में से कोई डांस का शौक रखता है नहीं नहीं करवाना नहीं है वैसे ही पर्सपेक्टिव के लिए पूछ रहा हूं शौक़ रखते हैं आप लोग तो बस अभी उम्र है अगर आपने साल डेढ़ लेट कर दिया तो फिर कभी भी नहीं होगा नहीं क्या तो बचपन से अभी तो ये छोटे हैं सारे अभी ना सुने गाने नहीं नहीं अभी ये शुरू कर दें तो हो जाएगा आप सुबह दोपहर शाम तीन टाइम ना आप गाने सुन के शुरू कर दें <laughs> तो बेहतरी आएगी ठीक है ढेर सारी तालियां वेलकम बैक आ जाएं बातों को आगे लेकर चलते हैं क्योंकि हमारे आज बड़े मजे मजे के सेगमेंट्स हैं लेकिन उनसे पहले मैं पूछूंगा मेहरबानों से कुछ सवाल तो मुझे ये बताएं कि जब आप बीच में सिंगिंग की तरफ भी आपका आ, नहीं भाई मेरी आवाज इतनी भयानक है इतनी अच्छी आवाज है आप दा परवीन मुझे तो आंखें बंद करूं तो लगता है आप दा परवीन <laughs> बैठी है मेरे सामने काश मैं उनकी तरह गा भी सकती लेकिन गाना नहीं आता मुझे बिल्कुल गाना मेरे शोहर बहुत अच्छा शब्द हैं लेकिन अच्छा बिल्कुल आपके शौहर कितना प्यारा वर्ड है शौहर शौहर आप उनको क्या बुलाती हैं शारा शाहरुख बुलाती हूँ और वो पठान टाइप फील में तो नहीं आ जाते <laughs> हम ऐसा चले बाय द वे फन फैक्ट फन फैक्ट सुन ले फन फैक्ट गर्ल फन फैक्ट ये है कि माय हस्बैंड वाज एक्चुअली नेम्ड आफ्टर शाहरुख खान रियली सो हिज नेम इज शाहरुख खान एंड खान इज नॉट हिज फैमिली नेम इज जस्ट बिकॉज़ शाहरुख खान इज खान सो ही शाहरुख खान की वालिदा या वालिद साहब शाहरुख खान के फैन थे सब शाहरुख खान के फैन है इनफैक्ट हम सब ही शाहरुख खान के बहुत फैन है हमारे घरों हमारे घर में दुआएं होती हैं शाहरुख खान के की no मतलब way. जब उनके साथ वो कंट्रोवर्सी हो रही थी आर्यन खान वाली तब हम सारे बैठ के कुल कर रहे थे उनके लिए और सब no प्रॉपर दुआएं चल रही होती थी और हम लेवल की फैन ऑडियंस में भी शाहरुख की बैठी है तो आप लोगों की बहुत बनेगी बिल्कुल लिटरली आर्यन का जब इशू चल रहा था आप लोग दुआएं कर रहे हैं हम दुआएं कर रहे थे सारे बैठ के मतलब प्रॉपर

I I like him a lot and not that I'm trying to be critical but mere mind mein ek perspective aaya kyunki I love perspectives jo main aapke samne pesh karna chahta because we're actors because we're public figures we know ki narrative building bhi ek cheez hai image building ek cheez hai a good PR team is a thing don't you think hamare paas ya Shahrukh Khan hum logo ke paas ek opportunity hoti hai you know हमें पता है कि कैमरे के सामने हम किस किस्म का narrative दिखा सकते हैं क्योंकि we don't know no, what's cool. happening behind the scenes डोंट यू थिंक वो इमेज बिल्डिंग भी कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कही

इट कम्स विद द प्रेमस दैट आपने बहुत सारे लोगों को इन्फ्लुएंस करना है hmm. जो भी आप इमेज बना रहे हो अल्टीमेटली इट्स योर ओन चॉइस कि आप क्या चाह रहे हो कोई Correct. आपका वो इमेज तो नहीं बना सकता जो आप नहीं चाहते हैं तो इन टर्म्स ऑफ दैट उसके लिए भी बहुत ज़्यादा सोच चाहिए होती है और बहुत ज़्यादा क्योंकि आप बहुत लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हो और लॉर्ड कोपलर कन्ह डू एक्जैक्टली वॉट यू आर डूइंग एंड द वे यूर लिविंग योर लाइफ

क्या देना होगा उन्हें um थोड़ा उर्दू में बात कर लिया करें, करें ज्यादा अच्छा बिल्कुल ठीक है करें 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 राणा सनाउल्ला मुझे उनके बारे में कुछ भी नहीं पता you मैं यू डोंट नो हु राणा साहब इज राणा साहब आपको अपनी पीआर और अपनी मार्केटिंग टीम के साथ मीटिंग करनी होगी क्योंकि इनको नहीं पता आप कौन है शेख रशीद आई होप यू नो हु शेख यस यस ऑफ कोर्स आई नो हु शेख अची इज um शेख रशीद आई थिंक अभी कब बहुत ज्यादा बोल जाते हैं तो जरा सा थोड़े ओपिनियंस अपने पास भी रखने होते हैं थोड़े ओपिनियंस अपनी जेब में रखें थोड़े दिल में थोड़े ज़हन में और कुछ जुबान पे मरियम नवाज मरियम नवाज बहुत अच्छे कपड़े पहनती हैं सो आई डोंट नो कि उनके बारे में क्या बुरा कहूँ नहीं बुरा नहीं मशवरा देना मशवरा देना हम आई थिंक उन्हें थोड़ा सा जो है आई थिंक बिफोर लाइक ट्राई टू स्पीक अबाउट जिनसे वो मुखातिब होना चाह रही है उनको uh, थोड़ा सा उनकी मसले समझने चाहिए ऑन ग्राउंड रियालिटीज पे थोड़ा फोकस करें आसिफरदारी आसिफ अली क्या मशुरा दू आसिफ अली जरदारी को मैं मशुरा दे दी <laughs> अब वो पब्लिक आए में नहीं आ रहे आई रियली लव टू सी हिम एज अ आप ड्रामा में काम शुरू कर दो बिल्कुल <laughs> पब्लिक आई में ज्यादा आएंगे सनमत खूसट या वजाहत रऊफ किसकी फिल्म में लीड रोल मिले तो करेंगी बोथ आर वेरी गुड बट सरमद इज माय वेरी ओल्ड एंड गुड फ्रेंड तो उन्हीं की करूंगी हमारी जब तक लिबरल नहीं होगी तब तक अच्छा कंटेंट प्रमोट नहीं होगा अह आई थिंक अबाउट इट इज दैट मतलब जहां तक केबल टेलीविजन की बात है वहाँ पर वर्ल्ड ओवर अगर आप केबल टेलीविजन की बात कर रहे हैं तो वर्ल्ड ओवर ये होता है कि उसके ऊपर नेचुरली रिस्ट्रिक्शंस होती हैं क्योंकि हर किस्म का इंसान वो देख रहा होता है चाहे बच्चे हों औरतें हों मर्द हों तो उस हिसाब से फिर उस पर जो कॉन्टेंट होता है वो हमेशा उसके ऊपर थोड़े वो लगते हैं क्या कहते हैं उससे रिस्ट्रिक्शन लगते हैं उसके ऊपर कुछ चीज़ें जो आप नहीं दिखा सकते हैं बच्चों को स्पेशली mm -hmm. तो उसके ऊपर तो आई थिंक मैं नहीं बोल सकती लेकिन हाँ ओ टी टी के ऊपर आई डेफिनेटली थिंक दैट यू नो आवाम को है थोड़ा दिमाग खोलने की जरूरत है आई the टर्म लिबरल ओके एक परफेक्ट लड़के में क्या खूबियाँ होनी चाहिए गुड looks गुड looks एंड गुड looks oh! <laughs> <laughs> मजाक <करी हूं. laughs> कर, कर रही हूँ वो <laughs> उसे तालियाँ <laughs> तालीम तरबियत और अच्छा दिल इनको फिर भी गुड लुक्स गुड लुक्स गुड लुक्स ही चाहिए <laughs> वो भी जरूरी है मतलब आ, ये अल्फाज सुन के कौन सा सेलिब्रिटी जहन में आता है ग्लैमरस ग्लैमरस um सबा कमर ओवररेटेड नो वन फ्रेंड ज़ोनड फ्रेंड ज़ोनड मैं एक हवाला दे सकती हूँ एक और चैनल पे एक जो शो चलता है उसका हाँ हाँ दे 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 <laughs> ए पे एक शो था आ, तमाशा <laughs> आ, <laughs> जो एक रियलिटी शो है वो मैं बहुत गौर से फॉलो करती थी उसके अंदर एक आ, थे एक्टर उनका नाम है नोमान वो सिंगर भी है, सिंगर आ, हैं सिंगर थे वो बेसिकली नोमान जावेद आ, तो वो फ्रेंड दोनों थे तो बहुत ठीक है ऑलवेज लेट ऑलवेज लेट उसामा खान मिस्टर परफेक्टली ड्रेस्ड मिस्टर परफेक्टली ड्रेस्ड

करेक्ट करेक्ट तालियां अभी तक दिल में ऐसा क्या बोला जो शो पे नहीं बोला अभी तक दिल में ऐसा क्या है बहुत कुछ है <laughs> एक चीज बोल दें कैसे बोलूं <laughs> कोई एक चीज बोल दें इनडायरेक्टली अब तो भूल गए मुझे मैं तो सवाल के हवाले से बोल रही थी आपके जो आपने जो आपने पूछा कि किन के साथ मुश्किल होता नाम है नाम ले लिए थे ज़हन में लेकिन बोले नहीं नहीं मुझे हो सकता है हम भी ये करें ऑफ हाँ, हाँ, कोर्स लेकिन नहीं मैं बोल नहीं सकती हाँ, हाँ, लेकिन आपने जहन में नाम नाम ले लिए थे बिल्कुल हाँ, दिल में, नाम तो ले ले लिए लिए दिल में नाम थे अब खुद चलती हद कर दी वु मोमेंट आखिर जी तो चलते हैं। तो पता है हमारे अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है ऑडियंस तो वालेकुम क्या हाल है मैं बिल्कुल ठीक आप सुनाए <laughs> मैं भी ठीक क्या सवाल पूछेंगी मैम अगर आपको पाकिस्तान छोड़कर किसी और कंट्री में जाना पड़े तो आप कौन सी कंट्री में जाएंगी यूएस uh, क्यों क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है यूएस बहुत वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं और वहाँ पे भी मैं फिल्मों में काम करना चाहूँगी एज एन एक्टर मेरा ख्याल है मैंने यहाँ पे अपनी सारी जिंदगी यू नो यहाँ पे एक्टिंग कर ली है

आई एम गुड आर यू आई एम फाइन मेरा आपसे क्वेश्चन होगा कि uh, जैसा कि आप जानती हैं कि हमारे मुल्क के हालात बहुत ख़राब चल रहे हैं तो इसको खराब करने वाला कौन होगा कौन सा सस्तदान किस की तरफ आप वोट करेंगी कि ये काम ख़राब करता है यानी हमारे मुल्क को अच्छे से संभाल नहीं सकता काश इस मुल्क को ख़राब करने वाला एक ही आदमी होता ताकि हम उसको निकाल के फिर <laughs> जूते हाँ, मारते हाँ, 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 हाँ. <laughs> लेकिन uh, किलर किलर ये मुल्क हम सब की वजह से हम सब इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं इसको खराब करने में कहीं ना कहीं हमारी अपनी भी गलती है और uh, हुक्मरानों की भी गलती है लेकिन ये एक कलेक्टिव एफर्ट है <laughs> <laughs> कि मुल्क खराब है हमने मिल किया यू राइट बट ऐसा कौन सा वजीर आजम हो सकता है जो आपको लगता हो कि वाकई हमारा मुल्क अच्छे से लीड कर सकता है कोई भी नहीं <laughs> कोई एक भी नहीं <laughs> वाह nice answer. कुछ साल वेट करना पड़ेगा आपको मैं बन जाऊं तो मैं बन जाऊंगी वजीर आजम तो अच्छा हो जाएगा <laughs> सुबह सब सारे उठ के पार्लियामेंट में डांस <laughs> हाँ। <laughs> क्या बात है नेक्स्ट हेलो हाय मैम हाय और यू मैम जैसे कि आपने चुड़ैल ड्रामा किया है hmm. तो क्या रियल लाइफ में आपका किसी चुड़ैल से सामना हुआ है दिल में इन्होंने बोला हाँ हाँ बहुत बहुत ज़्यादा में हुआ है लेकिन मतलब वो डिपेंड करता है कि आप चुड़ैल किसको कह रही हैं क्योंकि हमने चुड़ैल जो वर्ड था उसका मतलब ही बदल दिया पॉप कल्चर के अंदर एटलीस्ट पाकिस्तान में कि अब चुड़ैल उस औरत को कहा जाता है जो कि उसके साथ कोई ज्यादती हो रही हो तो वो बोलती है उसके खिलाफ और बहुत मजबूत होती है और कुछ अपने साथ बुरा नहीं होने देती है अपने हक़ के लिए लड़ना जानती है तो अगर इस तरह की बात आप कह रही हैं कि वो वाली चुड़ैल अगर मैंने देखी है तो वो वाली है तो मैंने बहुत देखी है इनफैक्ट हमारी पूरी कम्युनिटी है चुड़ैलों की <laughs> जो कि अपने हक के लिए लड़ना जानती हैं। वाह। <laughs> और मैम मेरी मामानी जान आपकी बहुत बड़ी फैन है नाम उनका मामू मामू सना सना ऐसे उठी और घर पे बैठी सना किसी ने बोला थैंक यू सो मच सना जी मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप अ, मेरे काम को पसंद करती हैं और इंशाल्लाह कभी मुलाकात भी होगी हमारी थैंक यू उनको वहाँ पे वो हो पे <laughs> मामी 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 हाय मामू बाय सलाम मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि जब भी आपके बारे में यूट्यूब और गूगल पे सर्च करते हैं तो बहुत ही अजीब से थम नेल्स आते हैं तो उस, उन्हें आप रोकती नहीं आ, मैं कैसे रोक सकती हूँ उनको <laughs> वो तो जो मैं पोस्ट करती हूँ वही दी पोस्ट होता है या फिर किसी और ने अगर मेरी वीडियो बनाई हो तो वो लगाते हैं अब मैं लोगों के मुंह तो बंद नहीं करा सकती ना देखें अगर YouTube पे मेरी इस तरह की वीडियोस आती हैं जो पोस्ट आप कह रही हैं जिस हवाले से उस पर अजीब अजीब से कमेंट्स भी होते हैं उस पर अजीब अजीब से थम भी होते हैं उस पर अजीब अजीब कैप्शन भी होती हैं तो ये मेरा ख्याल है कि मैं उन्हें वहीं पे रहने दूंगी और क्यों रहने दूंगी इसका भी मैं जवाब देती हूँ आपको ये करके सोसाइटी हमारी सोसाइटी अपनी ही अक्सी कर रही है तो हमारी सोसाइटी आपको खुद ही बता रही है वो खुद ही रिवील कर रहे हैं जो भी ये करते हैं कि हम लोग किस तरह के किस कमाश के लोग हैं और इट ओनली रिफ्लेक्ट्स बैडली ऑन देम इट डज़ नॉट रिफ्लेक्ट बैडली ऑन मी तो मैं बिलीव ये करती हूँ और मैं इसी बिलीव के साथ उनको वहीं पे रहने देती हूँ जो पूरी दुनिया देख रही है वो सब जी नेक्स्ट मैं मेरा क्वेश्चन आपसे है कि अगर आपको किसी पॉलिटिशियन के साथ एक्टिंग करने का मौका मिले तो आप कौन से पॉलिटिशियन के साथ एक्ट करना चाहेंगी और क्यों पहली बात है ये बहुत ही अच्छा सवाल है है ना बहुत बहुत ज्यादा अच्छा सवाल है आई वुड एक्चुअली मैं आसिफ अली जरदारी के साथ करना चाहूंगा कौन सा रोल <laughs> कोई भी कैरेक्टर हो कोई भी बट कॉमेडी कभी कभार आप नहीं कभी कभार आप कुछ ऐसे भी कोई भी आप रोल ले लेते हो अगर आप ये देखोगे आप को एक्टर कोई ऐसा है जिसके साथ बहुत कुछ इंटरेस्टिंग होगा आप उनसे बहुत सीख सकोगे या यू you नो know, कुछ इंटरेस्टिंग आएगा सामने क्या से आज, आज, आज आज हर कवाश के आदमी को चाहे वो पॉलिटिशियन हो यू you नो know, कोई क्रिमिनल हो कोई uh, बहुत बड़ी कोई एक्टर एक्ट्रेस हो आ, हमारे कैरेक्टर्स इंस्पिरेशन इंस्पिरेशन तो मिलती है हमें हमें चाहिए होती है और हमें हर इंसान से मिलना होता है और उनकी स्पेशली अगर आपको इंटरेस्टिंग लग रहा हो उनकी साइकिल में घुसना होता है तो मतलब उस तरह से फिर मैं उनसे मिलना चाहूंगी बिल्कुल ठीक है थैंक यू जी मुझे बताया आप किसी फेमस एक्टर सेलिब्रिटी की एक्टिंग करती है <laughs> नहीं मैंने बहुत देर से मेमिक्री बहुत अच्छी होती किस्कीरी थी मैमिक्री में मैं।, मैं पहले बचपन में मैं और मेरी दोस्त सना आप तो जानते होंगे हम लोग वो देखते थे बिग बॉस देखते थे तो हम तब वीना मलिक और अशमत पटेल के बिल्कुल भूल गया है बिल्कुल भूल गया है वो तब पंद्रह साल के थे तब कर लेते थे मुझे बताया सबसे चैलेंजिंग रोल कौन सा आपके ले रहा है आज तक और आपने उसके लिए अपने आपको प्रिपेयर कैसे किया मज़े की बात यह है कि जब आप इस तरह के सवाल करते हैं ना इतने स्पेसिफ़िक तब मुझे भूल जाता है कि मैंने पिछले दस साल में क्या क्या काम आप किया आप घर से रिकॉर्डिंग करके भेज दिएगा जवाब के हम प्ले करते हैं <laughs> नहीं सबसे जो चैलेंजिंग रोल है वो है आई वुड हैव टू से एक्चुअली कि यही मैंने Z5 के साथ जो किया था कातिल हसीनाओं के नाम वो बहुत चैलेंजिंग था क्योंकि एक तो पंजाबी कैरेक्टर था मुझे बोलनी आती है लेकिन उस वो कैरेक्टर बहुत ज़्यादा ट्रॉमा से गुजरा था और वो ट्रामा इस नौीय का था कि यू नो जब आप एक्टर होते हो यू हैव टू लिव दैट एक्सपीरियंस ऑल्सो क्योंकि आप उसी के शूज़ में जा रहे हो उस कैरेक्टर के तो वो रीलिव करना ट्रॉमा हालांकि मैंने नहीं वो जिया हुआ वो ट्रॉमा जो उस लड़की का था बट टू थिंक अबाउट इट एंड टू प्ले दैट कैरेक्टर इट वॉज़ रियली डिफ़िकल्ट फॉर मी ऊपर से हम लोग माइनस वन या टू में हम शूट कर रहे होते थे तो उस समय में बहुत पतले कपड़े पहने होते थे शलवारें कमीज़ें और दैट वॉज़ रियली डिफ़िकल्ट फॉर मी क्या बात है बट योर हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन और इसी के साथ गर्ल्स मैं एक और सेगमेंट की तरफ जाना चाहूंगा जिसका नाम है मूड स्विंग्स मैं एक डायलॉग पढ़ूंगा और आपको एक सर्टन इमोशन में वो डायलॉग वापस पढ़ना होगा आई एम सॉरी लेकिन हमने गलती से मरीज़ के दिल का ऑपरेशन करना था लेकिन किडनी का कर दिया अब कभी कभी हो जाता है अब ये फुल हंसते हुए साइकोपैथ टाइप डॉक्टर हैं आप हाँ ये पढ़ सकती हैं आप ये अब कि <laughs> <भी रुण>। <laughs> <laughs> I'm sorry, लेकिन हमने गलती से मरीज का दिल का ऑपरेशन करना था लेकिन किडनी कर दिया कभी कभार हो जाता है सॉरी <laughs> <पाल्या! laughs> अच्छा जी नेक्स्ट ये करते हैं। जी आंटी जी मैं खाना भी पका लेती हूँ बर्तन भी मांज लेती हूं और मुझे ये भी पता है कि आपके बेटे के मोजे कहाँ है गुस्से में फुल एंग्री हैं आप लाइक सिर्फ गुस्से में तंजिया अच्छा जी आंटी मैं खाना भी पका लेती हूँ बर्तन मांज लेती हूँ और मुझे ये भी पता होगा कि आपके बेटे के मोजे कहाँ हैं हाँ। <laughs> <laughs> तालिया मेहरबानो थैंक यू फॉर कमिंग टू द शो गुड वाइब्स पॉजिटिव वाइब्स आई हैड अ ग्रेट टाइम आई होप यू लाइक इट टू आपका हथकर्दी का सफर कैसा रहा हथकर्दी का सफर मुझे बहुत अच्छा लगा मैं यहाँ पे आई थी आई वॉज वे डाउन एनर्जी वाइज लेकिन मुझे पता था जब मैंने एक बार मोमेंट के सामने आने तो मुझे एनर्जी अपनी टेन एक्स करनी पड़नी है और यही हुआ उससे भी ज़्यादा हो गई और ऑडियंस भी माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी वेरी रिसेप्टिव एंड आई लव द फैक्ट कि मुझे नहीं पता पीपल इफ द पीपल वॉचिंग कैन एक्चुअली सी दी ऑडियंस यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लड़कियाँ बैठी हुई हैं और ये एक बहुत अच्छा मैसेज दे रहा है मुझे मुझे इस तरह ये चीज़ें बहुत पसंद हैं आई लव सींग वमेन अराउंड मी

थैंक यू सो मच दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज टू एंड द शो विद कि अपने आप को भी इंपावर करें अपने सोसाइटी के लोगों को भी इम्पावर करें लाइफ में क्यूरियस रहें ओपन माइंडेड रहें अडेप्टल रहें इसी तरह जिंदगी में आप खुद भी ग्रो करेंगे अपॉर्चुनिटीज भी आपके पास आएंगी बाकी आप हंसते खेलते रहें क्या पता कल होना हो बी अ गुड ग्लोबल सोशल सिटीजन कीप स्माइलिंग कीप रॉकिंग आई लव यू एंड आई रियली होप दैट यू लव मी टू मिलता हूँ आपसे हद कर दी के अगले एपिसोड में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज बाय बाय